जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट राउंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आपका मन पसंद का कॉलेज नहीं मिला है या आपको मन पसंद का कोर्स नहीं मिला है, तो फर्स्ट राउंड की 25 मई को मेरिट लिस्ट आई है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पसंद का कॉलेज कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। दोस्तों होता क्या है कि जब हम चॉइस प्लिंग करते हैं, ठीक है, बात को समझना। जब हम चॉइस प्लिंग करते हैं तो चॉइस प्लिंग में हम कॉलेज सिलेक्ट करते हैं बहुत सारे। कोई कोई स्टूडेंट एक ही कॉलेज सिलेक्ट करता है। जो एक कॉलेज सिलेक्ट करता है उनको तो ज्यादातर एडमिशन मिल जाता है, या अगर नहीं मिलना होता है तो नहीं मिलता है, तो केस बनते हैं उनके साथ में। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉलेज सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, मान के चलिए हमने 4-5 कॉलेज है जो कि सिलेक्ट करिए, ठीक है, और एक कॉलेज दे दिया फर्स्ट वाले का, फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज सिलेक्ट किया हमने उसे ए नाम दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी दे दिया, ई दे दिया, हमने इतने सारे कॉलेज हैं जो कि सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि दोस्तों इनमें से अगर आपको सेकंड वाला कॉलेज अलॉट हो जाता है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला, यानी कि फर्स्ट वाले को छोड़ करके बाकी के कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या करना। और दोस्तों यहाँ पर ये पसंद के कॉलेज नहीं है, और इनमें से आपको अगर कोई सा कॉलेज अलॉट हो गया और ये पसंद का कॉलेज नहीं है, तो फिर आप क्या करना कि जो सेकेंड राउंड आएगा उस सेकेंड राउंड में केवल और केवल आप चॉइस प्लिंग करना, ठीक है, चॉइस प्लिंग करना। इस राउंड में एडमिशन मत लेना, फीस मत जमा करना। सेकेंड राउंड आएगा, न्यू चॉइस प्लिंग कर लेना और आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। न्यू चॉइस प्लिंग करनी होती है हमको, ठीक है, री चॉइस प्लिंग करनी पड़ती है। चॉइस प्लिंग का कोई भी पेमेंट नहीं लगता है अगर हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलेज मिल जाता है, नहीं फर्स्ट वाले को छोड़कर। अब दोस्तों अगर हमें फर्स्ट वाला कॉलेज मिल जाता है, हमने जो फर्स्ट नंबर पर कॉलेज सिलेक्ट किया और फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज हमें मेरिट लिस्ट में मिल जाता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमें, ऐसी कंडीशन में या तो हम इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, या तो हमें इस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, या फिर जो सेकेंड राउंड आएगा हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके बाद जो सीएलसी राउंड आएगा ना, उस सीएलसी राउंड में एलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिला है, तो फिर या तो आपको इसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेना तो सेकंड राउंड में आप एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपका फर्स्ट राउंड समाप्त हो जाएगा, सेकंड राउंड समाप्त हो जाएगा, फर्स्ट राउंड से हट जाओगे अगर एडमिशन नहीं लोगे तो, और सेकंड राउंड में जब आप चॉइस प्लिंग नहीं कर पाओगे तो जो कि सेकंड राउंड से भी हट जाएंगे। तो फिर इसके बाद में तीसरा राउंड आएगा सीएलसी राउंड, तो फिर हम सीएलसी राउंड में चॉइस प्लिंग कर पाएंगे। तो बात समझ में आ गई। अगर आपको फर्स्ट वाले को छोड़ करके दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के कॉलेज मिले, तो फिर आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि सेकंड राउंड में न्यू चॉइस प्लिंग करके आपको न्यू कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों गारंटी नहीं है कि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज अलॉट ही कर दिया जाए, ठीक है, इस बात की भी कोई भी गारंटी नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तभी आप सेकेंड राउंड के लिए जाना, अन्यथा फिर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें ही एडमिशन लेकर के अपना एडमिशन फीस सबमिट करके अपना कंप्लीट कर लेना एडमिशन। सेकेंड राउंड में रिस्क है, नाम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। आप स्टूडेंट के साथ हो रहा है और आपको पता है कि मैं 2019-20, 2020-21, 22-23 5 सालों से वीडियो बना रहा हूँ ई प्रवेश काउंसलिंग के ऊपर, तो मुझे इसके बारे में पूरा अंदाजा है, पूरी जानकारी है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं आता है। बाई चांस अगर कॉलेज का कट ऑफ कम चला जाता है तो फिर आपका नाम आ सकता है। यानी कि आपने कोई कॉलेज सेलेक्ट किया, अब कॉलेज का कट ऑफ गया मान के चलिए 80% और आपकी परसेंट है मान के चलिए 75%, तो यहाँ तक आप 5-6% तक रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा 10-15 का अंतर है तो फिर आप रिस्क मत लेना, ओके। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जब हम इसकी रूल बुक पर आते हैं, रूल बुक के 44 नंबर के क्वेश्चन में और 45 नंबर के क्वेश्चन में क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रथम चरण में मुझे प्रथम विकल्प यानी कि फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सिलेक्ट किया था चॉइस प्लिंग में वह कॉलेज मिल जाता है, यानी कि आवंटित हुआ है परंतु वो पसंद का कॉलेज नहीं है और मैंने प्रवेश नहीं लिया है, तो क्या मुझे आगामी चरण यानी कि सेकेंड राउंड के लिए मैं एलिजिबल रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो यहाँ पर लिखा है कि यदि आपको प्रथम चरण का कॉलेज मिल जाता है यानी फर्स्ट राउंड में प्रथम विकल्प का चॉइस प्लिंग में जो कॉलेज सिलेक्ट किया था वो कॉलेज मिल गया और हम प्रवेश नहीं लेते हैं या प्रवेश लेकर उसे निरस्त करवा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं रहेंगे, सेकंड राउंड हमारा खराब जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि सीएलसी राउंड में हम एलिजिबल हो जाएंगे और सीएलसी राउंड में हम चॉइस प्लिंग कर पाएंगे, यानी कि फिर हमें डायरेक्ट क्या करना होगा, सीएलसी राउंड का इंतजार करना होगा, यानी कि जो हमारा एडमिशन होगा सीएलसी राउंड में होगा। अब सीएलसी राउंड में गारंटी नहीं कि सीट फुल हो जाएंगी तो फिर एडमिशन नहीं हो पाएगा, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जो भी फैसला लो सोच समझ कर फैसला लेना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा गया है कि मुझे द्वितीय विकल्प, मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट वाला कॉलेज छोड़कर अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर का कॉलेज मिल जाता है तो आवंटित हुआ है और मैंने उसमें प्रवेश
नहीं लिया तो क्या मुझे अगले चरण में शामिल होने के लिए क्या करना होगा। अगर आपको सेकंड नंबर का या थर्ड नंबर का या फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर का कॉलेज मिल जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं तो आगामी चरण यानी कि जो अगला चरण आएगा यानी कि जो सेकेंड राउंड आएगा आपका उस राउंड के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो बात मैंने आपको समझा दी, हर चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अभी आप पर डिपेंड करता है आपको क्या फैसला लेना है। अगर आपको पसंद का कॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी पसंद का कॉलेज नहीं है, तब भी आप छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि हम एडजस्ट हो सकते हैं कॉलेज के साथ में तो भले ही एडमिशन ले लेना, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनकी एडमिशन नहीं हो पाते हैं। आप सभी को पता है कि सीटें कम है और ट्वेल्थ क्लास का जो कट ऑफ है वो अच्छा जाता है, परसेंटेज स्टूडेंट की ज़्यादा आती हैं। तो फिर अगर आपकी कम परसेंट है, 60-70% है, तो फिर आप एडमिशन ले लेना। अगर आपकी कम परसेंट है तो एडमिशन लेना, अगर ज़्यादा है तो फिर आपको टेंशन नहीं, आप एक बार रिस्क ले सकते हैं। अगर आप 80 के आसपास हैं, 75 से ऊपर है तो आप रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं कि आपने जो चॉइस फिलिंग की है, ठीक है, आपने जो चॉइस फिलिंग की है, चॉइस फिलिंग में आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, आपने कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, दोस्तों जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला स्टूडेंट है उन्हें तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस वाला है उन्हें तो एडमिशन लेना ही, अगर नहीं लेना तो सेकंड राउंड के लिए हट जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, सेवन्थ हो, आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किए हैं चॉइस फिलिंग में, आपको मान कर चलिए थर्ड वाला कॉलेज मिल गया, ठीक है, ये आपको पसंद का कॉलेज नहीं, लेकिन आपका फोर्थ नंबर वाला कॉलेज तो पसंद का है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्या काम करोगे कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी फ़ीस जमा कर देना, ठीक है, उसकी फ़ीस जमा कर देना, फीस जमा कर देना। लेकिन जब आप फीस जमा करोगे, ठीक है, फीस जमा करोगे, उस टाइम पर एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का, ठीक है, अपग्रेडेशन का एक ऑप्शन आता है, उस अपग्रेडेशन पर क्लिक करके अपनी फ़ीस को जमा कर देना, ठीक है, अपनी फ़ीस को जमा कर देना अपग्रेडेशन पर क्लिक करके। अब होगा क्या कि अपग्रेडेशन की एक नई लिस्ट आएगी, ठीक है, जैसे कि आई लिस्ट आई है ना, ठीक उसी प्रकार से एक अपग्रेडेशन की लिस्ट आती है। अब अगर आपका लक अच्छा होगा, अगर आपका लक अच्छा होगा तो फिर आपका जो पसंद वाला जो कॉलेज है ना वो अलॉट हो सकता है। अब आप सोचोगे कि हमने तो नापसंद वाले कॉलेज में फ़ीस सबमिट कर दी, तो कोई टेंशन नहीं, आपने जो फीस सबमिट की है नापसंद वाले कॉलेज में, वो आपकी फ़ीस पसंद वाले कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। एक सिस्टम कब होता है, ये अपग्रेडेशन सिस्टम होता है, ये कब होता है, जब हम अपनी फ़ीस को जमा करते हैं और हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एडमिशन हो जाए और अपग्रेडेशन करके हम एक चांस ले सकते हैं कि अगर हमें मनपसंद का कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमने जो फीस जमा करी है ना पसंद वाले कॉलेज में वो तो हमारा एडमिशन कंप्लीट रह गई। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, और जो स्टूडेंट रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए क्या करना है, उनके लिए मैंने आपको जानकारी दे दी है पहले ही, तो सारी जानकारी मैंने आपको समझा दिया। आइए अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन कब यूज किया जाता है, जब हमें रिस्क नहीं लेना होता है। और कहाँ पर आता है अपग्रेडेशन का ऑप्शन, जब हम फीस जमा करते हैं उस टाइम पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिखाई देता है सबसे नीचे। अगर आपको कोई भी डाउट कमेंट करना, मिलता है अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।